लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टैक्सी वाले का नाम, यह आदमी गूंगा और बहरा है, इसे होटल मार्केंटो जाना है, पहुंचा देना। जागीर सिंह सर? हाँ, ये वही मुजरिम है, इसकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। ए, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जो कुछ कल हुआ उसे सुनकर दिल कांप जाता है। दिल है तुम्हारे पास? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तो क्या होता? मैं मर जाती। और मैं जो तुम पर पहले से ही मर चुका हूँ। अरे, ये अंकित पापा का गला क्यों दबा रही है? चुप, तू अभी छोटी है। नहीं नहीं पापा, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं नहीं भैया, सच मैंने भी कुछ नहीं देखा। चुप रे साली, तुझे शर्म नहीं आती? वो देख अंकल आ रहे। मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लव, हाउ आर यू? वेयर आर यू? आज रात को हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है। तुम लोग क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम आज 31 दिसंबर है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, आज रात नया साल शुरू हो रहा है। डैडी, हम सब लोग दीनदयाल अंकल के नए होटल में जाएंगे, उसका नाम क्या है? हाँ, होटल लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम सब होटल लाइन में जाओ और हम बुड्ढे लोग अपना जश्न घर में मनाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और सुनाओ, हमने भी कुछ नहीं देखा। हेलो प्रभाकर। हेलो अंकल। हेलो हेलो सपना। बड़ा अच्छा होटल बना लिया अंकल आपने। स्टिल नॉट कंप्लीट। खुशी की बात तो यह है कि यह मनहूस साल तो तुम्हारे लिए कंप्लीट हुआ। आपका आशीर्वाद है अंकल। अरे भाई, आशीर्वाद तो बड़े आदमी देते हैं, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं। एक तो ये कि दुश्मनी से दोस्ती हर हाल में बेहतर होती है। हाँ बेशक, बशर्ते कि दोस्ती सच्ची हो और नियत में खोट ना हो। दूसरी बात बोलिए। दूसरी बात यहाँ नहीं, कभी खाने पर घर आ जाना, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हा? जी बिल्कुल ठीक है, जरूर हम। अच्छा तो मैं चलता हूँ, उम्मीद है कि नया साल हम दोनों के लिए तरक्की और सलामती लेकर आएगा। बाय। नया साल मुबारक। क्या हुआ? ये साला चुरुट वाला आदमी मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई देता है, हमेशा कुछ बेसिर पैर की बातें करता रहता है। तुम्हें कभी कोई आदमी सीधा नजर आया है? चलो चलो ना बाबा। Thank you.
Ladies and gentlemen, Hotel Line welcomes you to bring in the new year. Kindly take your partners for the midnight special. सर मैं आपसे कह रहा हूं सर, मेक एन एस ऑफ योरसेल्फ, पार्टी बजाओ। डांसर्स डिस्ग्रेसफुल। मैंने सुना वीर जवान कोई राज की बातें लेकर आया। सर मैं धावे के साथ कह रहा हूं कि नंबर 17 ही नाइन ओ इन दैट। इस वक्त बहुत से इंपॉर्टेंट लोग आए हैं, ये कागज का खेल छोड़ो और पार्टी बजाओ। देखिए सर, मुझे दीनदयाल पर शुरू से ही शक था। ओ शट अप, तो मेरे खास दोस्तों में से है और उसे मैं कहीं से जानता हूं। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर, कि जो किताब आंखों के बहुत नजदीक लाई जाए उसके अक्षर बहुत ही मुश्किल से पढ़े जाते हैं। वाह वाह वाह, अरे सुनो कौन सी फिल्म का डायलॉग है? काली चरण का। अच्छा तो आप अब अपना नाम भी लेने लगे? यू गेट टॉप फॉर मी। हां तो मैं आपसे कह रहा था कि यू वांट टू टच ब्रेन ऑफ इंडिया। आउट नो दुनिया नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी दुनिया को बता दो कि क्या है काली चरण। लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। है एक तरीका, अब हम उस साले के घर में घुसकर उसे मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस कमीने के साथ मिलकर। चीयर्स! शीशे के गिलास में तो सभी शराब पीते हैं, लेकिन चांदी के गिलास में शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है। जी हाँ, शीशे के गिलास में शराब दिखाई देती है, चांदी और सोने के गिलास में छुप जाती है और फिर सोमरस कहलाती। एक काम की बात बताने जा रहा हूँ, आज रात को आपके गिरगाम वाले गोदाम पे हम रेड मारने जा रहे हैं। रेड मारने के बाद मिलेंगे। हैं? थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था, फिर उन बदमाशों को कैसे मालूम हुआ कि हम लोग वहां पर छापा मारने वाले हैं? हाउ द हेल डिड दिस सीक्रेट लीक? इससे साफ जाहिर है कि किसी ने राज फाश किया। अनुज दैट बास्टर्ड जॉन डो। काली चरण पूरे 140,000 हैं ये लोग। जी गिनने की क्या जरूरत है, आज के जमाने में तो बेईमानी ही एक ऐसा धंधा रह गया है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। सिर्फ देखने की तमन्ना है मियां, दिखा दो। दिखा दो दिखा दो। लो वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम जानते हो शर्मा तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सोच समझ कर कह रहा हूँ सर। मैं प्रभाकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अपना शक आप पर जाहिर कर दूं। हो न हो प्रभाकर साहब को बदमाशों ने अपने साथ मिला लिया है और वो आजकल अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं सर। ये देखिए हम आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गरीबों के लिए कंबल और कपड़े लाए हैं।
आप हिसाब से लोगों में बंटवा दीजिएगा और ये सारी चीजें आप लोगों को सेठ श्री दीनदयाल जी की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुई हैं। और आज शाम को जो इस बस्ती में त्योहार मनाया जा रहा है उसको शोभायमान करने धर्मात्मा सेठ दीनदयाल जी स्वयं पधार रहे हैं। देव ठीक कहता था, मुजरिम आखिर मुजरिम ही होता है। क्या हुआ आपको? इस आदमी पर विश्वास करके मैंने अपनी तकदीर अपना करियर ताऊ पर लगा दिया था। वही शख्स मुझे धोखा देगा ये मैं विश्वास तक नहीं कर सकता था। ये आपको जरूर कोई गलत फहम हुई है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तो ये क्या है? क्या है ये? एक प्रभाकर वो था जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता था, और एक प्रभाकर ये है जो कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना फर्ज, अपना ईमान, अपनी आत्मा को बेचना चाहता है। कल को मुझे बेच देगा, अपने बाल बच्चों को बेच देगा, अपनी बहन को बेच देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे गुस्सा मत दिला। फर्ज और ईमान की बातें करते हो, अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बता दूं। मैं पूछता हूं क्या कीमत है आत्मा की? क्या देते हो तुम मेरे फर्ज के बदले में सिर्फ दो वक्त की रोटी? इतने सस्ते में नहीं बेचूंगा अपनी आत्मा को। मेरा फर्ज अपने बच्चों के तरह भी है, उनकी परवरिश के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा। उनकी परवरिश के लिए मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन तुमने मुझे जिस मौत मारा है उसका भुगतान तुम्हें करना होगा, और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।